हाय एवरीवन, हमारे ज्योग्राफी सीरीज में अगला वीडियो है आज का, और जो हमने कल क्लास ली थी उसके जस्ट अगली ही बातचीत है, तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमारे कल का वीडियो न देखा हो तो पहले उसे देखिएगा, तब जाकर इस वीडियो को हम समझ पाएंगे। अगर हम सिंपल से यहाँ पर बात कहें तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से फोकस करेंगे इस बात पर कि बादल कितने प्रकार के, बादलों के निर्माण की प्रक्रिया कैसे, और बादलों के लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और फिर हम आ जाएंगे वर्षा और उसके प्रकारों पर, किस प्रकार से वर्षा प्राप्त होती है, उन सभी पर। सभी लोगों को गुड इवनिंग। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे अभी सवाल भी पूछ लिए हैं कि किरण का कहना ये है कि फीस बहुत कम नहीं हो सकती है क्या, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी इतनी फीस कम है कि इस मिनिमम फीस पर शायद ही आपको कहीं पर इस स्टैंडर्ड का क्लास मिलेगा। मेरा दावा है, आप इस बात को स्वीकार करें या न करें, लेकिन इस स्टैंडर्ड की क्लास इस मिनिमम फीस पर शायद कहीं अवेलेबल नहीं हो पाएगी, इसलिए पहले से ही फीस बहुत कम है। जिन लोगों को भी एडमिशन लेने में या सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत आ रही हो अनएकेडमी प्लस पर, मैं पहले संक्षिप्त में उन्हें कुछ बता दूं। जैसे कि आप हमारे बारे में जानते होंगे, एक पूरी टीम के साथ अनएकेडमी प्लस पर हम पीटी मेन सभी का क्लासेस लेने वाले हैं, कुछ नाम आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें टेस्ट का भी पूरी तरह से ऑप्शन आपके पास है, तो अब आप टेस्ट सीरीज को भी आप अपने घर पर ही अपने आप को जांच सकते हैं कि यूपीएससी में टेस्ट सीरीज का बहुत योगदान होता है, बहुत जरूरी होता है अपने आप को पहले तैयार कर लेना। पर मैं सजेस्ट करता हूं टेस्ट सीरीज तब अपनाई जाए जब पहले कुछ तैयारी हो गई होगी। तो टेस्ट सीरीज का भी यहां पूरा ऑप्शन आपके पास है, वीकली टेस्ट होंगे, पीटी मेंस के बायलिंगुअल होंगे। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेंगे तो निश्चित ही फीस बहुत ज्यादा है मंथली लेते हैं तो। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 12 मंथ का लेते हैं तो रिड्यूस होते हुए फीस 12 मंथ में केवल 2,917 रुपए के आसपास आती है, और अगर 24th मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो केवल 2,000 रुपए महीने के अकॉर्डिंग फीस आ रही है। और पूरे 24 महीने तक आप सभी टीचरों की लाइव क्लास ले सकते हैं, इन 24 महीनों में आप पूरे टेस्ट दे सकते हैं। तो जिन लोगों का ग्रेजुएशन चल रहा होगा, जो लोग आफ्टर 12th यूपीएससी का ख्वाब सोच रहे हैं, या जिन लोगों को लगता है कि 2021 का उनका टारगेट है, मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है, बहुत मिनिमम फीस पर आपको ये सारी चीजें मिलेगी। अगर आप इसमें रिफर कोड यूज कर रहे हैं मधुकर लाइव, अगर आप मधुकर लाइव रिफर कोड यूज करते हैं तो ये फीस हो जाएगा 50,400 रुपए। 50,000 रुपए में आप 2 साल तक सारे यूपीएससी के टीचरों के क्लासेस देख सकते हैं। इसमें हमारा सारा क्लासेस होगा, जिसमें जितने सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे वो सारी क्लासेस आप देख पाएंगे, हमारे साथ साथ सारे टीचरों की क्लासेस अनलिमिटेड टाइम हम देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पूरी तरह से बादल। सबसे पहले तो बादल क्या है, अगर हम इसको समझना चाहें तो बहुत सामान्य सा मतलब समझिएगा कि बादल कुछ नहीं है, जो जलवाष्प था जब वो संघनित हो गया तो पानी की बूंद में बदल गया या हिम के कण में बदल गया। तो वो पानी की बूंद, हिम कण और वायु, इन सबका मिक्सिंग जो हमें मिलता है हम उसे कहते हैं बादल। बादल कोई ठोस संरचना नहीं है जिसे पार नहीं कर सकते, इसे आसानी से पार किया जा सकता है। इस कारण से क्योंकि यह वायु जलवाष्प जो द्रव कण में आ गए हैं या हिम कण में आ गए हैं उसका मिश्रण है, तो जलवाष्पों के ऊंचाई पर संघनन के कारण इनका निर्माण होता है। और जलवाष्प के साथ साथ जो द्रव या हिमकण और जल वायु जो होती हैं उनके मिक्स को हम एक साथ बादल कहते हैं। तो बादल की अगर कोई परिभाषा समझना चाहे तो एक सिंपल सी बात कहे कि पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जल कणों और हिमकणों के झुंड को, निर्मित जल कणों और हिम कणों के झुंड को बादल कहा जाता है। तो बादल की अगर हम सिंपल सी बात करें तो बादल केवल और केवल हम कह सकते हैं ग्रुप हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या जो आइस ड्रॉपलेट्स हैं, जो हिम कण और जल कण हैं उनका झुंड है जो वायु के साथ मिश्रित हो चुका है। अगर हम बात करें इसमें राजस्थान आरएस के लिए सुरेश, ये जो क्लासेस हैं ये यूपीएससी के लिए फोकस्ड होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आरएस का जो सिलेबस होता है वो मैंने देखा है
बहुत कुछ मैच होता है, बहुत रेयरली आपको केवल राजस्थान का अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द सारा सिलेबस आपका इसमें कवर हो जाएगा जो भी हम इसमें क्लासेस लेंगे। तो जिनको लगता है कि वो किसी स्टेट के भी एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फीस हमने ललिता इसमें ऊपर ही बता दिया है, तो आप एक बार उसे देख लीजिएगा। आइए हम बात कर रहे हैं बादल। तो बादल संगणन की प्रक्रिया से निर्मित जलकण और हिमकणों का झुंड है, बस इतनी सी शब्द पर ध्यान देना। अगर हम बात करें तो बादलों के निर्माण की प्रक्रिया हमें समझनी है, लेकिन बादलों के निर्माण में पहले शीतलन होता है, वायु का तापमान कम होता है, और फिर संगणन होता है, और उसके बाद बादलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर हम बात करें तो बादलों के बाद वर्षा होगी, और सभी बादल वर्षा या हिमपात करें ऐसा जरूरी नहीं होगा। कुछ ऐसे बादल भी होते जो अल्पकालिक और छोटे होते हैं, जिनका वर्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर बादलों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले बादलों के निर्माण में तापमान में कमी होगी, तापमान में कमी से संगणन होगा, फिर बादल बनेंगे, इन बादलों से वर्षा होगी। जरूरी नहीं कि सभी बादलों से वर्षा हो, कुछ बादल बिना वर्षा के भी निर्मित होते हैं। तो बादलों के बारे में एक संक्षिप्त में जानकारी, या बादलों के बारे में अगर आपको कहीं इंट्रोडक्शन लिखना हो तो ये बातें आप यूज कर सकते हैं। दो बातें इसमें आपको जोड़नी है। पहली बात कि बादल हिमकण या जल कणों का झुंड होता है जो वायु के साथ मिश्रित रहता है। दूसरा, बादलों के निर्माण में तापमान में कमी, संगणन की प्रक्रिया और फिर वर्षा की प्राप्ति होती है। सभी बादल ऐसा करें जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से बादल अल्पकालिक भी होते हैं। अब हम इसमें आ रहे हैं कंसेप्चुअल बातों पर। थोड़ा सा मेरी बात समझना, ये बहुत ही कंसेप्चुअल बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका नाम है आइडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी इसका होता है रुदोष्म तापमान परिवर्तन। रुदोष्म तापमान परिवर्तन एक कठिन कंसेप्ट है ये। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स भी अगर होंगे, जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी होता है, उन लोगों को भी इसमें दिक्कत आती है। तो एक सामान्य विद्यार्थी जो जीएस की तैयारी कर रहा होगा, उसे तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत दिक्कत होती होगी। तो आइए मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, जो कंसेप्ट मैं आज बताने जा रहा हूं। आइए हम बात कर रहे हैं रुदोष्म ताप परिवर्तन या आइडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। देखना, मैंने आपको एक बात समझाई थी, हमने आपको एक बात यह समझाई थी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में कमी होती है। शब्द पर ध्यान देना, तापमान में कमी होती है, और यह कमी कितनी होती है, हर एक किलोमीटर पर या हर एक 1000 मीटर पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, और इसका नाम हमने रखा था सामान्य हास दर, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य हास दर। तो मेरी बात पर जरा ध्यान देना, आप जब भी हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी होती थी, और वो कमी हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर, हर एक किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस से होती थी। इसे हमने सामान्य हास दर नाम दिया था। लेकिन इस पृथ्वी पर दो हास दर और मिलती है, एक होती है शुष्क आइडियाबेटिक, एक होती है ड्राई, एक होती है शुष्क रुदोष्म ताप परिवर्तन, शुष्क रुदोष्म तापमान परिवर्तन, एक होती है ड्राई आइडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। अब समझना ये क्या घटनाक्रम है। अगर आप ऊंचाई पर जा रहे हैं तो तापमान में गिरावट आप फील करेंगे, लेकिन कोई वायु अगर ऊपर उठ रही है तो वो वायु भी अपने तापमान में गिरावट करती है खुद। तो वायु में जो तापमान में कमी होती है ना, उसे कहते हैं रुदोष्म तापमान परिवर्तन। रुदोष्म तापमान का परिवर्तन इसलिए कहा जाता है कि इसमें ना तो ऊष्मा गई ना आई, पर ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए जो ऊर्जा चाहिए थी वह यह वायु अपने अंदर से ले लेती है, और इस कारण से बिना ऊष्मा के लेन देन के इसमें तापमान में कमी होती है। शब्द पर ध्यान देना, बहुत कंसेप्चुअल बात पर कल्पना कर रहे हैं हम लोग। वायु जब ऊपर उठती है तो वायु के ऊपर उठने के लिए जो एनर्जी उसे चाहिए वह अपनी ही एनर्जी का यूज करके अपने टेम्परेचर को रिड्यूस करती है। जब कोई शुष्क वायु ऊपर उठती है 1 किलोमीटर, तो उसका जो तापमान है वह 6.5 डिग्री से नहीं
10 डिग्री से कम हो जाता है तो जब भी कोई शुष्क वायु ऊपर उठेगी तो 1 किलोमीटर ऊपर उठने पर उसके तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। यह परिवर्तन या तापमान में यह ह्रास शुष्क रुदोष्म तापमान परिवर्तन कहलाता है। देखना इस घटना के कारण क्या होगा। इस घटना के कारण सीधा सा असर यह होता है कि अगर हम बात करें इस घटना के कारण, तो वायु, मान लो कि ये जो वायु है ये ऊपर गई। अब जब ये वायु ऊपर गई तो इसका जो तापमान है, इसका जो तापमान है वो सीधा 10 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मान लो नीचे 40 था, यहां पर सीधा तापमान इसका 30 हो गया है। लेकिन 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो टेम्परेचर केवल 6.5 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए था। तो ये जो अड़ोस पड़ोस की वायु वहां पहले से थी, ये वाले लोग कहेंगे कि हमारा तापमान तो बहुत ज्यादा है, मतलब इनका तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब आप कल्पना करिए कि अपने वातावरण, अपने अड़ोस पड़ोस की तुलना में ये जो वायु ऊपर आई है ये तो बहुत ठंडी हो गई है, और इस कारण से इस वायु में ठंडक होने के कारण इसका बॉडी वेट, इसका जो भार है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, और इस भार के ज्यादा होने के कारण यह वायु नीचे से ऊपर से नीचे गिरेगी, और जिसके कारण पूरे वायुमंडल में हम कह सकते हैं कि स्थिरता आ जाएगी। और वायुमंडल में स्थिरता आने के कारण हम कहेंगे कि कोई बादलों का निर्माण या वर्षण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो ये वायु पूरी की पूरी एक तरीके से स्थिरता लाने में मदद करती है, क्योंकि इसका तापमान बहुत तेजी से गिर गया, ये इतनी ठंडी हो जाएगी और इतना वेट इसका हो जाएगा कि अब वायु को पूरी तरह से नीचे गिरा देगी। परिणाम स्वरूप ये स्थिरता को प्रेरित करती, इसके कारण वर्षण की संभावना या बादलों के निर्माण की संभावना कम होती है। तो शुष्क एडियाबेटिक परिवर्तन का सिंपल सा मतलब ये लीजिएगा, शुष्क वायु जैसे जैसे ऊपर जाती है तो उसके तापमान में गिरावट सामान्य ऊंचाई में होने वाले गिरावट की तुलना में ज्यादा होती है, इस कारण से वायु अत्यधिक ठंडी होकर गिरती है। फिर दूसरी वायु भी यहां पर है जिसे नाम देंगे आर्द्र। आर्द्र एडियाबेटिक तापमान परिवर्तन, या मैं इसे हिंदी में कहूं तो आर्द्र रुदोष्म तापमान परिवर्तन। आर्द्र रुदोष्म तापमान परिवर्तन, हम कह सकते हैं मॉइस्ट एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज, आर्द्र रुदोष्म तापमान परिवर्तन, जिसका मान 6 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। अगर नमी हो जाए, उस वायु के अंदर नमी आ जाए, तो ये वायु जब ऊपर उठती हैं तो ऊपर उठने पर इसके तापमान में उतनी कमी नहीं हो पाती। आइए देखते हैं क्यों। समझना, जब वायु में नमी होती है और जब ये वायु ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के कारण यह वायु जैसे जैसे ऊपर उठेगी, नमी है तो जो जलवाष्प थी वो संघनित होगी। जब जलवाष्प संघनित होगी तो गुप्त ऊष्मा, जिसके कारण वो जलवाष्प बनी थी, अब वो पानी में बदल रही तो अपनी हीट निकालेगी, अपनी हीट निकाली के तो अड़ोस पड़ोस की वायु का टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो इस कारण से जब आर्द्र वायु ऊपर उठती है तो वह तेजी से ठंडी नहीं होती। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका तापमान अगर 40 था तो 34 होता है, जबकि अपने वातावरण या अड़ोस पड़ोस का तापमान उस समय 33.5 है, उसकी तुलना में ये गर्म है, इसलिए अभी और ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने के कारण लगातार इसमें संघनन की प्रक्रिया होगी, जिससे बादलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। हम कहेंगे कि इससे वातावरण में अस्थिरता आ जाती है। तो शब्द पर ध्यान देना, 3 प्रकार के मैंने तापमान ह्रास दर बताए हैं, मैं उन्हें एक बार रिवाइज करता हूं और फिर एक बार फिर आपके कमेंट्स देख लेता हूं कि कोई प्रॉब्लम कहीं आ रहा हूं। सबसे पहला, ऊंचाई के साथ ऊंचाई के साथ जो तापमान में गिरावट आती है उसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, लेकिन कोई वायु अगर खुद ऊपर उठे, अगर वो शुष्क हो तो उसके तापमान में तेजी से गिरावट आती है, क्योंकि ऊपर उठने के लिए वो अपनी ऊर्जा का उपयोग करती हैं। यह गिरावट 1 किलोमीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस की होती है, यह इतनी ठंडी हो जाती है कि भार के कारण नीचे गिरती है और पूरा का पूरा स्थिर वातावरण क्रिएट करती है। लेकिन जब आर्द्र जो वायु है वो ऊपर उठती है,
तो उसके तापमान में उतनी गिरावट नहीं होती जितनी की ऊंचाई में होनी चाहिए थी, तो बाकी ऊंचाई की तुलना में ये वायु अभी भी गर्म है, इसलिए और ऊपर उठेगी और लगातार ऊपर उठते हुए फिर ये बादलों का निर्माण कर सकती है। तो जनरली जब भी आर्द्र वायु वातावरण में ऊपर उठती हैं, हम ये देख सकते हैं कि वहाँ बादलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो जब भी आर्द्र वायु ऊपर उठेगी, बादलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बादलों का निर्माण शुरू हो जाता है। अगर हम सिंपल से इसमें बात करें, ये दो तीन लोगों के जो सवाल हैं मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे कि एक व्यक्ति का सवाल है कि इकोनॉमिक्स की क्लास कब होती है, तो मैंने अगर आप इतने दिनों से हमारी क्लासेस को देख रहे होंगे तो डेली इकोनॉमिक्स की क्लासेस हमारी होती है 9 से 10 में। सुबह 9 से 10 में हम इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे हैं और इकोनॉमिक्स में अभी बैंकिंग चल रहा है। बैंकिंग कुछ दिनों में खत्म होगा, फिर हम महंगाई पर आएंगे और तब जाकर हम राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी पर बात करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मिस किया है वो चाहे तो एक दो दिन में क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे 9 to 10 हमारी इकोनॉमिक्स की लाइव क्लास होती है और इवनिंग में 8 से 9 में ज्योग्राफी की लाइव क्लास होती है। फिर दूसरे व्यक्ति का सवाल है कि चक्रवात कब आएगा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में शायद चक्रवात आना चाहता है वो व्यक्ति। मैं सिंपल सा बता दूं, अभी टाइम है, अभी तो हम वर्षा पढ़ेंगे, फिर वायु राशियां पढ़ेंगे, फिर वाताग्र पढ़ेंगे, फिर चक्रवात आएंगे, फिर जलवायु प्रदेश आएंगे। घबराए नहीं, नेक्स्ट वीक के उम्मीद है कि सैटरडे तक चक्रवातों पर चर्चाएं शुरू हो जाएगी। पर मैं चाहूंगा कि एक सिक्वेंस वाइज चलिएगा और मैंने सिलेबस जिस तरीके से कवर किया है, यकीन मानिए यूपीएससी का बहुत ब्रॉड सिलेबस कवर कर रहा हूं मैं, कि आपको इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। फिर भारत में आप यूपीएससी का एग्जाम दें या पीसीएस का। तो जिन जिन लोगों के जो डाउट थे मैंने उसे समझाने की कोशिश की है। आइए हम अपने विषय पर वापस आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल डेली क्लास होती है इकोनॉमिक्स की, डेली क्लास होती है। आइए अब हमारी बातों पर ध्यान देना, मैंने क्या समझाया है। हमारी जो पृथ्वी है उस पर ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, वो एक अलग घटना है। वायु जब ऊपर उठती है तो उसके साथ तापमान में कमी होती है, लेकिन शुष्क वायु जब ऊपर उठेगी तो उसका तापमान इतना गिर जाता है कि वो हेवी होने के कारण गिरती है और गिरने के कारण एक तरीके से धीमे धीमे वातावरण में स्थिरता आ जाती है। लेकिन जब आर्द्र वायु ऊपर उठेगी तो वह अपने अड़ोस पड़ोस की तुलना में गर्म ही रहती हैं। इस कारण से, क्योंकि उसमें तापमान में गिरावट उतनी नहीं हो पाती, इसलिए वो और ऊपर उठती चली जाती है, क्योंकि गर्म चीजें और ऊपर उठती जाएगी और वह लगातार बादलों के निर्माण में मदद करती चली जाएगी। तो यहां तक की हमने चर्चाएं की हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके निर्माण पर, कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। बिल्कुल जो क्लासेस का सवाल है इनका, परफेक्ट एकेडमी का, तो हम यूपीएससी का लगभग कंप्लीट कोर्स कराएंगे एक दो विषयों को छोड़कर, पर अधिकतर कोर्सों को मैं इसमें कवर कराऊंगा। लेकिन मेरे साथ साथ आपको बहुत से शिक्षकों की टीम मिलेगी जो उन कोर्सों को कवर कराएगी, तो उससे घबराइए नहीं, पूरी टीम है, कंप्लीट टीम है, इस कारण से कोई डरने वाली बात नहीं रहेगी। पर इसमें मैं लगभग 4 से 5-6 विषय तो कवर खुद ही कराऊंगा। आइए हम फिर से बात कर रहे हैं बादलों के निर्माण की प्रक्रिया। बादलों के निर्माण को दो वैज्ञानिकों ने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बादलों के निर्माण की प्रक्रिया एक मैकेनिज्म के थ्रू होती है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है बर्जरॉन फाइनसन आइस क्रिस्टल मैकेनिज्म, आइस क्रिस्टल तंत्र। आप इसे ऐसे याद रखना, बादलों के निर्माण की पहला सिद्धांत है आइस क्रिस्टल मैकेनिज्म या आइस क्रिस्टल सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया था बर्जरॉन ने, इस सिद्धांत को दिया था बर्जरॉन और फाइनसेन ने, बर्जरॉन और फाइनसेन ने दिया था। और देखते हैं कि बर्जरॉन और फाइनसेन क्या बताना चाह रहे हैं। उनका कहना यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं या वायु जैसे जैसे ऊपर उठती हैं, तो इन्होंने कुछ धारणाएं बताई थी। सबसे पहला, बादलों का निर्माण तभी होगा जब वहां पर आर्द्रता ग्राही केंद्र होंगे, न्यूक्लियाई होंगे, कोई ठोस संरचना, ठोस कण होगा जिस पर बादलों का निर्माण हो सकता है। समझना, ये वैज्ञानिक का कहना यह है कि बादल के निर्माण की संभावना केवल तभी होगी जब उस जगह पर आर्द्रता ग्राही कण, जिसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियाई,
वह संरचना होगी। आर्द्रता ग्राही कण मतलब कुछ नहीं, एक ठोस कण है, एक ठोस संरचना है, वो कुछ भी हो सकता है, धूल का कण हो सकता है, वो कोई भी मेटल हो सकता है या मेटल पार्टिकल हो सकता है या फिर वो कोई सॉल्ट हो सकता है, लेकिन एक आर्द्रता ग्राही कण अगर नहीं हुआ तो बादलों का निर्माण हो ही नहीं सकता। इनका कहना यह है कि अगर आप -40 डिग्री सेल्सियस पर भी जलवाष्प को लेकर चले जाओ तो वह जलवाष्प इतनी ठंडी हो जाएगी लेकिन वह जल में या वह हिम में नहीं बदल सकती जब तक कि वहां पर आर्द्रता ग्राही न्यूक्लियाई न हो। तो इनका पहली बात यह कहनी है कि बादल तब बनते हैं जब कहीं पर भी आर्द्रता ग्राही न्यूक्लियाई होते हैं। आर्द्रता ग्राही न्यूक्लियाई की अनुपस्थिति में बादलों का निर्माण असंभव है। कितना भी तापमान कम कर दो, जलवाष्प उस तापमान पर वाष्प में ही रहेगा, ये हवा बहुत ठंडी हो जाएगी लेकिन ये बर्फ और जल में परिवर्तित नहीं होगी जब तक कि वहां पर आर्द्रता ग्राही केंद्र ना हो। फिर दूसरा इनका ये कहना है कि अगर हम दूसरी बात यहां पर कहें तो इनकी दूसरी धारणा ये है कि बादलों के निर्माण की प्रक्रिया में तीन परतें होती है। बादलों के निर्माण की प्रक्रिया में तीन परतें होती हैं। इनका कहना है कि तीन परतों के द्वारा बादलों का निर्माण होता है। इनका कहना है कि बादलों के निर्माण की तीन लेयर है। पहली लेयर है जहां पर संवहनीय धाराएं ऊपर उठ रही हैं और संवहनीय धाराओं के ऊपर उठने के कारण यहां तापमान में कमी हो रही है और यहां आर्द्रता ग्राही कणों के कारण धीमे धीमे ये जलवाष्प बन रहे हैं और लगातार इस संवहनीय धाराओं के कारण और यहां पर जब जलवाष्प जल में बदल रहा है तो गुप्त ऊष्मा मुक्त हो रही है, इस गुप्त ऊष्मा से वो पुनः ऊपर उठ रहे हैं और यहां पर ऊपर उठकर फिर उस आर्द्रता ग्राही कण का आकार बड़ा हो रहा है। अब उस पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ रही है और लगातार वह आर्द्रता ग्राही कण बड़ा होता हुआ चला जा रहा है और इस तरीके से वो बड़े से बड़े आकार में कण बदलते चले जा रहे हैं। जब इनका भार बढ़ता है तो ये भार बढ़ने के कारण गिरने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें लगा रहा है, लेकिन यहां पर मिक्सिंग, यहां पर एक तरीके की मिक्सिंग हो रही है क्योंकि संवहनीय धाराओं के चलने के कारण और इनके कारण यहां लगातार एक घूर्णन या मिक्सिंग का प्रोसेस है, तो ये फिर मिक्सिंग में थोड़ा बहुत पिघल जाते फिर इन्हें ऊपर उठाया जाता है और इस तरीके से लगातार हिमकण और जल कणों की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और लगभग कुछ घंटों के उपरांत यहां बड़ी मात्रा में हिमकण और जल कणों का झुंड बन जाता है जिससे बादलों की उत्पत्ति होती है। मतलब इनका कहना यह कि बादलों की उत्पत्ति तीन तरीके के लेयर्स कारण होती है, नीचे संवहनीय लेयर है, बीच में मिक्सिंग लेयर है और ऊपर बादलों के हिमकण या जल कण की लेयर है। जैसे जैसे ये प्रोसेस होता चला जाएगा एक समय के बाद यहां बड़ी मात्रा में बादलों का निर्माण हो जाएगा। इनके निर्माण का सबसे बड़ा पॉइंट है आर्द्रता ग्राही केंद्र। अगर आर्द्रता ग्राही केंद्र ना हो तो इनका कहना है कि बादलों का निर्माण नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत की सहायता से हम कहां बता सकते हैं बादलों के निर्माण, हम बता सकते हैं कि ऊंचे बादल कैसे बनते हैं। हम ये बता सकते हैं कि शीतोष्ण क्षेत्र में बादलों का निर्माण कैसे होता है, शीतोष्ण क्षेत्र में बादलों का निर्माण कैसे होता है। हम इनके द्वारा ये बता सकते हैं कि टेम्परेट जोन में और हाइट वाले जो बादल होते हैं वो कैसे बनते हैं, हम इनकी सहायता से ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ बादलों की इतनी ऊंचाई मिलती नहीं है, ये तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर ही बादल बन जाते हैं, तो इतनी कम ऊंचाई पर ये बादल बन ही नहीं सकते हैं। अगर इस सिद्धांत को माना जाए तो इस सिद्धांत की आधार पर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनने वाले बादलों के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो ये जनाब का जो सिद्धांत है वो है बर्जेरॉन फाइनसेन आइस क्रिस्टल मैकेनिज्म, कि आइस के क्रिस्टल बनते चले जाते हैं और उनका आकार लगातार बड़े होने के कारण बादलों का पूरा झुंड विकसित होता है। इस सिद्धांत से हम उन जगहों पर बादलों के निर्माण की बात समझा सकते हैं जहां ऊंचे बादलों का निर्माण होता होगा। कुछ लोगों के फिर डाउट हैं, बिल्कुल ये क्लास तो अभी आपके पास फ्री है संदीप की, जब तक हम लाइव पढ़ा रहे हैं आपको पूरा फ्री रहेगा,
पर इसमें ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसमें ज्योग्राफी हम कंप्लीट कराएंगे लेकिन कंप्लीट ज्योग्राफी नहीं होगा। कंप्लीट ज्योग्राफी के लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, पर मोस्ट ऑफ द पार्ट हम इसमें कवर कराएंगे। तो अगर हम बात करें तो बादलों के सिद्धांत में ये पहला सिद्धांत है जिसे आइस क्रिस्टल सिद्धांत कहते हैं, जिनका कहना है कि आर्द्रताग्राही केंद्र की उपस्थिति, आर्द्रताग्राही केंद्र का होना बादलों के निर्माण की पहली शर्त है और इसके आधार पर ऊंचे बादल और शीतोष्ण क्षेत्र में बादल कैसे बनते हैं वो समझा सकते हैं। तो ये सिद्धांत गलत नहीं है लेकिन ये कुछ क्षेत्रों में बादल की उत्पत्ति को समझा सकता है और कुछ क्षेत्रों में इसके आधार पर बादल की उत्पत्ति समझाई नहीं जा सकती है। दूसरा सिद्धांत दिया था बोवेन ने और बोवेन के सिद्धांत का नाम है संगठ्य संलयन सिद्धांत। संगठ्य संलयन सिद्धांत, संगठ्य संलयन सिद्धांत किन जगह पर बादलों की उत्पत्ति को बता सकता है? संगठ्य संलयन सिद्धांत बताता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सागरों के ऊपर बनने वाले कम ऊंचाई के बादल या कहीं पर भी कम ऊंचाई के बादल कैसे बनते होंगे उसकी व्याख्या करने की ये कोशिश करता है। तो बादलों के निर्माण का दूसरा सिद्धांत है संगठ्य संलयन सिद्धांत। उनका कहना यह है कि महासागर में लवणता बहुत ज्यादा होती है और इस लवणता के कारण बहुत सारे आर्द्रताग्राही न्यूक्लियाई इस महासागर के ऊपर पहले से ही उपस्थित होते हैं। बहुत सारे महासागर के ऊपर आर्द्रताग्राही न्यूक्लियाई हैं। यह न्यूक्लियाई इतनी ज्यादा मात्रा में होने के कारण बहुत ही कम ऊंचाई पर यहाँ जल का संगनन शुरू हो जाता है और इस संगनन के कारण अब इनके अंदर संगठ्य होता है। इसके टकराने के कारण, इनके संगठ्य के कारण लगातार इनका आकार बड़ा होता चला जाता है और इन आकारों के बड़े होने के कारण, क्योंकि इन पर आवेश होते हैं, इन आवेशों के टकराने के कारण धीमे धीमे यहाँ पर बड़े बादल या बड़े हिमकणों का निर्माण होता है और वायु के साथ जब उनकी मिक्सिंग होती है तब हम कहते हैं कि वहाँ पर कम ऊंचाई के बादल बन गए। रिपीट कर रहा हूँ मैं, महासागरों पर पहले से ही आर्द्रताग्राही कणों की बहुत अधिकता है क्योंकि लवणता की अधिकता महासागरों में है। इस लवणता की अधिकता के कारण ये लवणता वाले जो आवेशित कण हैं ये न्यूक्लियाई का काम करेंगे, आर्द्रताग्राही कण का काम करेंगे, जिस पर लगातार पानी जो जलवाष्प था वो संघनित होना शुरू होगा और यहाँ पर हिम कणों का निर्माण होना प्रारंभ होगा। लेकिन ये बड़े कैसे होंगे? तो इनमें टकराहट होगी क्योंकि ये आवेशित है तो एक दूसरे से चिपकेंगे और इस तरीके से बड़े बड़े हिम कणों का निर्माण इसमें होगा, बड़े बड़े जलवाष्प का निर्माण होगा और इस तरीके से फिर जब इनका वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे तो यह वर्षा के रूप में पृथ्वी पर लौट कर आएंगे। इसी घटना को हम समझा सकते हैं, ऐसी बात को हम समझा सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बादलों के निर्माण में, जहां संवहनीय धाराएं चलती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बादलों के निर्माण में या निम्न ऊंचाई वाले बादल कैसे बनते हैं उसे इस सिद्धांत के द्वारा, बोवेन के सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है। तो बादलों के निर्माण में दो बातों को स्पष्ट किया गया है कि जब बादलों का निर्माण होता है उसमें दो सिद्धांत हैं, आइस क्रिस्टल सिद्धांत जो ऊंचाई पर बादल कैसे बनते हैं या फिर आइस क्रिस्टल सिद्धांत शीतोष्ण क्षेत्र में बादल कैसे बनते हैं उन्हें बताता है, जबकि संगठ्य संलयन सिद्धांत जो बोवेन ने दिया था वो बताता है कि निम्न ऊंचाई के बादल कैसे बनते हैं, या वो सिद्धांत बताता है कि कैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आवेशित आर्द्रताग्राही कणों की उपस्थिति के कारण यह हिमकण यह जलकण तेजी से बड़ा आकार ग्रहण करके बादलों का निर्माण कर बैठते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा बादल किसे कहेंगे, फिर हमने देखा कि दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं जब वायु ऊपर उठती हैं और इन परिवर्तनों से तय होता है कि बादल बनेंगे या नहीं बनेंगे, स्थिरता होगी या अस्थिरता होगी। और फिर हमने इसके बाद देखा है कि बादलों के निर्माण के दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है आइस क्रिस्टल सिद्धांत जिसे बर्जिलॉन और फाइनसेन ने दिया था, जबकि जो दूसरा सिद्धांत है वो कहलाता है, हम कह सकते हैं कि संगठ्य संलयन सिद्धांत जिसे बोवेन ने दिया था, ये दोनों ही सिद्धांत पूरे पृथ्वी पर बादलों की उत्पत्ति में योगदान निभाते हैं। कुछ ऊंचाई वाले बादलों की व्याख्या कर रहे हैं और कुछ कम ऊंचाई वाले बादलों की व्याख्या करते हैं। आइए अब हम चर्चा कर रहे हैं इसमें बादलों के वर्गीकरण पर।
अब हम बात कर रहे हैं इसमें बादलों के वर्गीकरण पर। बादलों का वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर चार प्रकार से किया गया है। सबसे पहला ऊंचे बादल, ऊंचे बादल का मतलब जिनकी ऊंचाई 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक हो सकती है। फिर दूसरे हैं मध्यम ऊंचाई के बादल, मध्यम ऊंचाई के बादल जिनकी ऊंचाई 2 से 6 किलोमीटर तक हो सकती हैं। और फिर है निम्न ऊंचाई के बादल, निम्न ऊंचाई के बादल जिनकी ऊंचाई 2 किलोमीटर से कम होती हैं। और चौथा हम इसमें देखेंगे ऊर्ध्वाधर बादल, ऊर्ध्वाधर बादल जो बिल्कुल एक ही बादल इतना बड़ा होता है कि इस तरीके से वो डेवलप होता है, तो हम कहेंगे कि वो ऊर्ध्वाधर बादल होते हैं जो इस प्रकार की बातचीत कर सकते हैं। श्यामलाल इंग्लिश में स्टार्ट हम करना चाहते हैं लेकिन ये हिंदी को डेडिकेट चैनल है, इस कारण से इसमें हिंदी में रहेगा। बाकी हम जब प्लस पर क्लास लेते हैं तो वो बाईलिंगुअल क्लासेस होती है, हम कोशिश करते हैं कि उसमें बाईलिंगुअल क्लासेस आ जाए। आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं इसमें। अगर इसमें एक सिंपल सी बात करें तो अब हम बात करने जा रहे हैं ऊंचाई के आधार पर बादलों के वर्गीकरण के। तो बादल ऊंचाई के आधार पर चार प्रकार के हैं, पहला ऊंचे बादल, दूसरा मध्यम ऊंचाई वाले बादल, निम्न ऊंचाई वाले बादल और चौथा ऊर्ध्वाधर विकसित होने वाले बादल, ऊर्ध्वाधर विकसित होने वाले बादल। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बादलों के वर्गीकरण में। जो ऊंचे मेघ हैं, ऊंचे बादल हैं, इनकी ऊंचाई 6000 से 12000 मीटर होती है, 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर होती हैं। ये एक और हम कह रहे हैं सकते हैं कि एक ऐसा आंकड़ा है जो आपके एनसीईआरटी ने दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे बताया है। बाकी इसमें कई किताबों में आपको डिफरेंस मिल सकता है। बिल्कुल ये सीडीएस की एग्जाम के लिए भी बहुत लाभकारी होगा ऋषभ, सीडीएस की एग्जाम के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि सीडीएस में भी जो सवाल बनते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं, तो सीडीएस के भी जरूरी हैं। ऊंचे मेघ में सबसे पहला है पक्षाभ मेघ, साइरस, पक्षाभ मेघ जो साइरस क्लाउड है। ये पक्षाभ नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पक्षियों की ऊंचाई के आधार पर ये उस ऊंचाई पर बनते हैं जहां पर पक्षी जो सबसे ऊंचाई पर रहेंगे उस ऊंचाई पर पक्षी उड़ते होंगे, इसलिए नाम पक्षाभ ऊंचाई के आधार पर रख दिया। पक्षाभ बादल ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलने वाले सफेद रेशम की भांति कोमल और छित्राय मेघ हैं। मतलब सफेद बादल जो आपको उस ऊपर दिखाई देते हैं हम कहेंगे कि वह सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलने वाले बादल हैं। चक्रवात के आगमन के क्रम में ये सबसे पहले आते हैं, मतलब अगर चक्रवात आने वाला हो तो सबसे पहली शुरुआत इन्हीं बादलों से होगी। और ये हिमकणों से बने हैं, वर्षा नहीं करते हैं, हिमकणों से बने हैं, वर्षा नहीं करते हैं। इनके आने से यह माना जा सकता है कि शायद चक्रवात आ सकता है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो अधिक ऊंचाई के बादल पहला पॉइंट, हिमकणों से बने होते हैं, वर्षा नहीं करते, चक्रवात के आगमन में क्रम में सबसे पहले हैं, तो हो सकता है कि हम इसे कह सकते हैं कि चक्रवात के आगमन का सूचक होते हैं। पूरा पढ़ाएंगे, मतलब इस यूट्यूब पर पूरा नहीं पढ़ाएंगे, डोनाल्ड ट्रम्प हैं डायरेक्ट, मुझे लग रहा है कि पूरा पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। विवेक गुप्ता का सवाल है, डोनाल्ड ट्रम्प पूछ रहे हैं कि स्टेट पीसीएस के लिए है क्या, तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रम्प जी ये स्टेट पीसीएस के लिए हैं, अपने वास्तविक नामों के साथ आइए ताकि हम आपको बता सके कि सही क्या है गलत क्या है। तो अगर एक सिंपल सी हम बात करें तो सबसे पहला है पक्षाभ में, बहुत ऊंचाई पर रेशम की भांति सफेद और कोमल होते हैं, हिमकणों से बने हैं, वर्षा नहीं करते हैं, इनका आगमन या हम कहेंगे कि ये चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही बादल दिखाई देते हैं। फिर दूसरे हैं पक्षाभ स्तरी बादल, ये भी ऊंचे बादल हैं, इन्हें हम कहते हैं साइरोस्ट्रेटस। जब भी स्तरीय बादल शब्द आ जाए तो याद रखना, देखना पक्षाभ बादल का मतलब ये हो गया। और अगर इस टाइप से बादल लेयर में मिलने लग जाए, इस टाइप से बादलों की लेयर मिल जाए, तो फिर आप इसका नाम क्या रखेंगे, लेयर का मिलने का मतलब स्तरीय, इसके कई लेयर हैं, कई स्तर हैं, तो पक्षाभ स्तरी मेघ। अगर हम बात करें तो वृहत क्षेत्र में फैले होते हैं, दुधिया चादर जैसे आपने कभी देखा होगा, छितरे हुए बिल्कुल चादर के जैसे बादल होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बनता है, प्रभा मंडल कैसा होता है उसे मैं अभी दिखा देता हूं। चक्रवात के आगमन के क्रम में
पक्षाप मेघों के तत्काल बाद यही मेघ दिखाई देते हैं, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि अब इसके बाद चक्रवात आने ही वाला है। अगर हम सिंपल सी बात करें तो पक्षाप बादलों के बाद यह बादल अगर दिख जाए बिल्कुल सिक्वेंस वाइज, तो माना जाता है कि अब चक्रवात नजदीक ही है। तो जब ये कई लेयर में होते तो इसे स्तरी बादल कहते, प्रभा मंडल कुछ इसे कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ कई बार आपको इस तरीके की घटना अगर दिख जाए तो हम इसे प्रभा मंडल कहते हैं। प्रभा मंडल सिंपल सा मीनिंग है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देना। फिर पक्षाप कपासी मेघ, अगर हम बात करें पक्षाप कपासी मेघ, तो यह भी ऊंचे बादल की श्रेणी में आएगा। विवेक, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि जो प्लस पर क्लास होता है वो स्मार्ट बोर्ड पर होता है क्या, तो नहीं, वो हमारा अलग से क्लासरूम प्रोग्राम होता है जहां पर हम सीधा आपको दिखेंगे, आप सीधा पर्सनली सवाल पूछ सकते हैं। वहां पर बिल्कुल जैसे क्लासरूम होता है वैसा इंटरेक्टिव सेशन होगा। यहां मतलब वहां पर जैसे आपका बोर्ड पर लिखा जाता है वैसे पेन से सारा कुछ लिखा जाता है। स्मार्ट बोर्ड पर स्टडी नहीं होती, वो अलग स्टडी होती है। तो प्लस वाली जो क्लासरूम होती है वो ज्यादा इंटरेक्टिव होगी, क्योंकि वहां पर आपका सीधा कमेंट्स अलग तरीके से दिखाई देता है, अपने नाम ओरिजिनल नामों के साथ आप हमसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं, वो सारी बातें बहुत अलग हो जाती हैं। आइए अब मेरी बात समझिएगा। तीसरा पक्षाप कपासी मेघ, तो पक्षाप मतलब जो पक्षी के आकार के, लेकिन कपासी जिनका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाए हम उसे कहते हैं कि वह पक्षाप कपासी मेघ होंगे। ये भी सफेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई देते हैं, समूह में या लहरदार रूप में होते हैं। ये लहरदार रूप में आपको दिखाई देंगे, मतलब इनकी ऐसी लहर होगी, ये ऐसे दिखाई देंगे, तब हम कहेंगे कि यह जो बादल हैं ये पक्षाप कपासी मेघ है। तो तीनों बादलों को मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला था ऊंचे बादलों में पक्षाप मेघ, फिर है पक्षाप स्तरी मेघ, और फिर है पक्षाप कपासी मेघ। ये तीनों ही बादलों को हम ऊंचे बादल के रूप में जानते हैं। इन पर ऑब्जेक्टिव सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल किस तरीके से होंगे। प्रकाश, ये महाराष्ट्र पीसीएस के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र पीसीएस के लिए भी बहुत जरूरी है। और जो लोग मुझे बार बार रीजनिंग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निश्चित ही अगर सी सेट का पेपर यूपीएससी में रहता है तो इस चैनल पर आपको हम रीजनिंग की क्लासेस भी देंगे, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास भी देंगे। लेकिन वो डिपेंड करेगा, अभी सी सेट जो उम्मीद है कि अभी एक महीने के अंदर डायलेमा क्लियर हो जाएगा तो रीजनिंग की क्लास भी मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रीजनिंग की क्लासेस के लिए आपको फिर अनएकेडमी प्लस पर आना पड़ेगा। हम अगर बात करें तो तीसरे बादल है पक्षाप कपासी मेघ। अब दूसरे हैं मध्य मेघ वाले, मतलब मध्यम ऊंचाई वाले बादल। ये 2000 से 6000 मीटर की ऊंचाई में होते हैं। इसमें पहला है उच्च स्तरी मेघ, वैसे इसका अंग्रेजी नाम याद रखिएगा अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। यहां से अब जो बादल होंगे उससे वर्षा होना शुरू होगी, मतलब अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। ये भूरे लगातार चादर की भांति फैले छोटे स्तरों वाले बादल होते हैं। इनके छाया रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला और अस्पष्ट दिखाई देता है। इनसे विस्तृत क्षेत्र में वर्षा होती है, इसका मतलब ये पहले बादल हैं जो वर्षा लाते हैं। हम कहेंगे कि ऊंचाई के क्रम में ये थोड़ा ज्यादा ऊंचाई के बादल हैं, लेकिन पहले बादल हैं जिनसे वर्षा हो सकती है। अल्ट्रो स्ट्रेटस भूरे रंग के होते हैं, तो कैरेक्टर लिख सकते हैं भूरे रंग के। वर्षा होती है विस्तृत क्षेत्र में और इनके कारण सूर्य प्रकाश थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। आपको लगेगा कि थोड़ा सा सूर्य प्रकाश छिप रहा है, धुंधला हो जाएगा। धुंधला होने का मतलब डिफ्यूज लाइट आप तक आएगा। उच्च कपासी मेघ, फिर अल्टो जो क्यूमुलस है क्लाउड, अल्टो क्यूमुलस क्लाउड, ये भी मध्यम ऊंचाई के हैं, सफेद और भूरे रंग के, गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते, संपूर्ण आसमान में महीन चादर के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वर्षा न करके बूंदाबांदी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके कारण वर्षा ना होकर बूंदाबांदी होती है, तो बूंदाबांदी करने वाले उच्च कपासी मेघ होते हैं जो गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते और चादर के रूप में बिखरे होते हैं। देखना, ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जहां लगभग सब कुछ सेम लगता है। तो देखना, मैं क्या करता था, मैं केवल इसमें 3-4 बादलों को याद रखता हूं, कपासी बादल, स्तरी बादल, इनकी संरचना का वर्णन समझना है और ऊंचाई के क्रम का पूरा सिक्वेंस
कि ऊंचाई से ऊपर से नीचे जाए तो किस तरीके से बातचीत आएगी। तो आप देखना, ये जो उच्च शब्द आता है ये अल्टो शब्द हम मिडिल के लिए यूज करते हैं, तो अल्टो शब्द जब भी आए तो हम ये मानते हैं कि हम मध्यम ऊंचाई के बादलों की चर्चा कर रहे हैं, मध्यम ऊंचाई के बादलों की चर्चा कर रहे हैं। डेली इसी टाइम पर आते हैं, डेली इसी टाइम पर आते हैं संतोष, संतोष, दिनेश, इसी टाइम पर हमारी क्लासेस होती हैं। बिल्कुल ये सोनू हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ब्रॉडली सिलेबस को कवर किया जा रहा है कि आपका फर्स्ट ग्रेड ही नहीं, आप अगर इसमें बहुत अच्छा कुछ रिसर्च भी कर रहे होंगे तो भी आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। बहुत ब्रॉड लेवल पर ज्योग्राफी को हम कवर कर रहे हैं। फिर दूसरे हैं, तीसरे हैं निचले में जो सबसे कम ऊंचाई के होते हैं। अब यहां से शब्द आना शुरू होगा स्ट्रेटस क्लाउड, केवल स्तरी मेघ, स्तरी मेघ, ये धरातल के निकट कोहरे के समान बादल है। मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी अगर कोई पूछे कि कोहरा किस प्रकार का बादल है, अगर मान लो ये सवाल आ जाए ऑब्जेक्टिव में, तो कोहरा भी एक बादल ही है जिसे धरातलीय स्तरी मेघ कहा जाता है। तो कोहरा भी एक बादल है जो धरातलीय स्तरी मेघ कहलाता है, धरातलीय स्तरी मेघ कहलाता है। इनमें कई परतें पाई जाती है, सामान्यतः आकाश में पूरी तरह छा जाते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीत ऋतु में यह दो विपरीत वायु राशियों के मिलने के कारण बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शीतोष्ण चक्रवातों में इनकी उत्पत्ति होती है, शीतोष्ण चक्रवातों में इनकी उत्पत्ति होती है, शीतोष्ण चक्रवातों में ये बनते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा कि कोहरे के समान, ये एक तरीके से कोहरा ही होता है, पर इनकी जो सघनता ऊपर होगी वो बहुत ज्यादा होगी। शीतोष्ण चक्रवात में इस प्रकार के बादलों की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। फिर होते हैं स्तरी कपासी बादल, ये निम्न बादलों की बात कर रहे हैं अब हम। ये हल्के भूरे या सफेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं, यह जाड़े के मौसम में संपूर्ण आसमान को आवृत कर लेते हैं और ये सामान्यतः साफ मौसम का संकेत करते हैं। स्तरी कपासी बादल सामान्यतः साफ मौसम के लिए होते हैं। तो स्तरी कपासी बादल की अगर हम बात करें तो यह बादल वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन कभी कभार इनके द्वारा बूंदाबांदी हो सकती है, कभी कभी इसके द्वारा थोड़ी बहुत मात्रा में वर्षा की प्राप्ति होती है। यहां से अब वर्षा जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा होती है कपासी मेघ। ये शब्द ध्यान जरूर देना है, अगर इतने बादल न याद रहे तो कपासी मेघ जरूर याद रखना, क्योंकि कपासी मेघ वर्षा के लिए सबसे जिम्मेदार बादलों में आता है। कपासी मेघ की अगर हम बात करें तो गुंबदाकार गोभी के भांति होता है, जो आप लोग अपने बादल बनाते समय इस टाइप से बादल बनाते हैं, ये यही बादल हैं और समतल पर पाया जाता है। साफ मौसम की सूचना हम कहेंगे कि इसके कारण धीमे धीमे हमें लगता है कि बिल्कुल व्हाइटनेस यहां पर आ जाता है बादलों के में। अब बात आती है ये वाले जो बादल हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वर्षा के लिए जिम्मेदार बादल होंगे, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। जो दूसरा बादल आपको याद रखना है वो है निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। ये काले रंग के बादल हैं, यही बादल है जो आप कहते हैं कि जितने भी हमारे हिंदी सिनेमा जगत में जिन लोगों ने भी मूवीज में बताया है काले मेघा, तो काले मेघा का मतलब हुआ निम्बो स्ट्रेटस, वर्षा स्तरीय। इनके नाम में शब्द जुड़ा है वर्षा स्तरीय, बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में और उष्ण वाताग्रों में ये बनते हैं और इसके कारण सूर्य प्रकाश रुक जाता है। तो ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कड़ी बादलों में मैं कहूं तो वर्षा स्तरीय बादल, यह वर्षा के लिए जिम्मेदार होंगे, वर्षा के लिए जिम्मेदार होंगे, काले रंग के बादल होंगे, सूर्य प्रकाश को रोक देते हैं, सूर्य प्रकाश को रोक देते हैं, और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु अत्यधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं, अत्यधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। हम कह सकते हैं कि इनके आने के कारण घनघोर वर्षा होती है, घनघोर वर्षा होती है इनके आने के कारण। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो वर्षा स्तरी बादल दूसरा बादल है जिसे आपको याद करना है। मैं निशान लगा दूंगा किसे आप याद करिएगा, किस पर ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे, क्योंकि ये जो 10 वर्गीकरण 10 बादल हैं, ये 10 बादल बहुत कंफ्यूज करते हैं और इस पर इतना तनाव मत लेना। मैं आपको पूरा बता दूंगा कि इसमें किन बादलों को आप ध्यान देंगे कि इस पर आपके ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे। तो फिर आखिरी बादल पर आ रहे हैं, ये है कपासी वर्षा मेघ।
जो ऊर्ध्वाधर विकसित होता है, जो ऊर्ध्वाधर विकसित होता है, ये अत्यधिक गहरे काले सघन बादल हैं जो नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उठे रहते हैं। इनका विस्तार काफ़ी बड़ा होता है और कभी कभी ये 7,500 मतलब 7.5 किलोमीटर ऊंचाई पर भी होते हैं। इनसे भारी वर्षा, ओला, तड़ित झंझा ये सभी उत्पन्न होते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ तो इसमें निहाई की आकृति बन जाती है, इन बादलों में इस टाइप के निहाई की आकृति बन जाती है, ये इसका कैरेक्टर है और ये इस तरीके से विकसित होते हैं जैसे कि हमारे आइस क्रिस्टल सिद्धांत की लेयर बन गई हो। तो इस ऊंचाई वाले, लगभग इसकी ऊंचाई 7.5 किलोमीटर तक भी हो सकती है, ये बादल 7.5, एक सिंगल बादल ही 7.5 किलोमीटर ऊंचाई का हो सकता है। ये बादल सामान्यतः बहुत कम ऊंचाई पर बनना शुरू होते हैं और बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, संवहनीय वर्षा करते हैं, या हम कह सकते हैं कि यह महासागरों में वर्षा के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार कारक माने जाते हैं, इतनी ऊंचाई का ये बादल है, कि ये सिंगल बादल ही सारे बादलों को जोड़ दीजिए उतने बराबर साइज का ये अकेला बादल बन सकता है। काफ़ी ज़्यादा वर्षा करता है, खास करके महासागरों के ऊपर बनने वाले जो बादल होते हैं वो कुछ इसी प्रकार के बादल रहेंगे। तो अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूँ तो अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट बादल बता दे रहा हूँ कि कौन से बादल आप आसानी से इसमें कर सकते हैं, जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। तो जिन बादलों को अब मैं स्टार लगा रहा हूँ उन्हें आपको याद रखना है। सबसे पहला पक्षाभ मेघ, इसे स्टार लगा दीजिए। इसे क्यों याद रखना है, इसे एक पॉइंट के कारण याद रखना है, सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलने वाला बादल, इसे याद रखना है, स्टार लगाना है। क्या याद रखना है, केवल सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलने वाला बादल तमेश्वर, जो आप कह रहे हैं कि हमारे पढ़ाने से यूपीएससी के सवाल सॉल्व, आप 2001 से लेकर 2018 तक के पेपर उठा लीजिए, 19 तक के पेपर उठा लीजिए, और जितना मैंने क्लाइमेटोलॉजी में कराया है अभी तक, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आ जाए, मैं श्योरिटी ले रहा हूं कि आपका हर सवाल का जवाब आएगा। आप ये जो बातचीत करते हैं ना कि सवाल हल नहीं होते, ये उस तरीके की बातचीत है कि आपने अभी कुछ किया नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, और आप कहेंगे कि सीधा आपको आईएएस की डिग्री या आईएएस का क्वालिफिकेशन दिखा दिया जाए। अभी तो क्लाइमेटोलॉजी में हमने 8-9 क्लास ली है, अभी तो 4 बड़े मुश्किल से टॉपिक कवर हुए हैं, ज्योग्राफी लगभग 45 टॉपिकों से मिलकर बना है, 10% भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ मेरे लाल। तो कैसे इन 10% में आप ये कल्पना कर रहे हो कि अचानक ही यूपीएससी पूरी हल हो जाएगी, अभी तो शुरुआत हुई है। और मेरा दावा है कि जितना अभी तक मैंने क्लास में कराया है, यदि उसमें से कोई भी सवाल आया होगा, आप उस सवाल को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये इस तरीके की जो नेगेटिव थिंकिंग आपके माइंड में, इसे निकालिए, अन्यथा यूपीएससी के सिलेक्शन तक ये तकलीफ और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी और दूसरों को कोस कोस कर यूपीएससी का एज निकल जाएगा और वैसे भी बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। इसलिए अब थोड़ा सा बदलाव करिए, अभी तो 4-10% भी सिलेबस नहीं हुआ है, अभी यूपीएससी पर कैसे जा सकते हो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा इंतजार करो और फिर मुझे बताओ कि सवाल हल हुए या नहीं हुए। तो आइए हम देखते हैं, इसमें जो पक्षाभ मेघ होते हैं, पक्षाभ मेघ आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचाई के, सबसे पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा ऊंचाई का जो बादल होगा वो पक्षाभ मेघ, इसलिए आपको उसे रटना है, याद करना है, क्योंकि मुझे ये एग्जाम हॉल में आए तो उत्तर देते आना चाहिए, ये याद रखना है। फिर दूसरा, इस बादल को भी याद रखिए, पक्षाभ स्तरी मेघ। इसे क्यों याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि इसका संबंध है प्रभामंडल से, इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे क्योंकि प्रभामंडल से इसका लेना देना है, प्रभामंडल से इसका संबंध है, इस कारण से आपको इसे भी याद रखना पड़ेगा। फिर ये बादल न भी याद रखे तो चलेगा, छोड़ दीजिए इसको, इस बादल को भी न भी याद रखे तो चलेगा, छोड़ सकते हैं, इसे भी न याद रखे तो चलेगा, छोड़ सकते हैं। निचले स्तर में इस बादल को याद रखिएगा क्योंकि यह बादल क्लाउड जो है, वास्तव में कोहरा इसी बादल का
कमजोर रूप धरातल पर माना जाता है। तो इस बादल को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बादल आपसे जब भी सवाल पूछेंगे तो इस बादल पर भी सवाल पूछे जाते हैं। फिर इसी टाइप में अगर हम बात करें तो इस पर उतनी कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इस पर भी ना ध्यान दे तो भी चलेगा, लेकिन पहला बादल जो काले रंग के बादल होते हैं जो वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं महाद्वीपीय क्षेत्र में, मोस्टली जो वर्षा होती हैं इन्हीं बादलों के कारण होती हैं, इसलिए महाद्वीपीय क्षेत्र में इन बादलों को आपको समझना पड़ेगा। और कपासी वर्षा में इसे इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इकलौता ऐसा बादल है जो बिल्कुल अत्यधिक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वाला बादल है और ऊर्ध्वाधर में इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। महासागरीय क्षेत्र में यह बादल पूर्ण रूप से वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, इस कारण से इस बादल को आप याद रखिएगा। तो पांच बादलों को मैंने हटा दिया है, केवल इन पांच बादलों को आप जरूर याद रखिएगा जो आपको बता सकता है कि हां इन पांच बादलों से सवाल अगर बनेंगे तो बहुत आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी की क्लास नहीं होगी बेटा, यहां पर पूरी तरह से यूपीएससी की क्लास है, ये हम यूपीएससी पर फोकस कर रहे हैं और पीडीएफ नहीं मिलेगा इसमें, पीडीएफ नहीं मिलेगा, आप इसको नोट्स करिए क्योंकि पीडीएफ सब कुछ अगर स्पून फीडिंग हो जाएगा तो आप ये मान के चलिएगा कि कल भी मैंने बताया था क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, तो स्पून फीडिंग पर मत ध्यान दीजिएगा, आप अपने नोट्स बनाइए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उन सारी बातों को नोट करिए। मैंने आपको इसमें बता दिया है कि कौन से बादल आपको पढ़ने हैं, नीचे के दो बादल आपको पढ़ने हैं और इसके ऊपर में हमने आपको बताया है बड़े मुश्किल से दो और बादल, तो चार बादलों को केवल याद रखिएगा, बाकी के बादल अगर नहीं भी याद रहे तो बहुत रेयरली कोई गंदा एग्जामिनर इसमें सवाल पूछ सकता है। बिल्कुल आरआरबी का क्लास नहीं लेंगे हम इसमें अभी। सतीश ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, देखो मैं एग्जामिनर नहीं हूं, अगर मैं एग्जामिनर होता तो इसको प्रेडिक्ट कर लेता। ये उन लोगों का प्रेडिक्शन होता है जिन्होंने यूपीएससी को नहीं जाना है, यूपीएससी में ये कोई दावा नहीं कर सकता है कि कौन ज्यादा और कम आएगा, क्योंकि इसका सबूत मैं इस बात से बता सकता हूं कि 2016 में किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि करंट अफेयर के 60 सवाल भी आ सकते हैं। तो ऐसे एनालाइज करने की आदत ना डालो, ये उन मठाधीशों का काम होता है जिनकी उम्र 32 को पार कर चुकी होगी, बुढ़ापा नजदीक आ गया होगा, जिनके पास अटेम नहीं बचे होंगे, जिन्हें लगता होगा कि वो यूपीएससी के योग्य नहीं है। आपको अगर यूपीएससी निकालनी है तो आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि 2020 में क्या आएगा, कितना आएगा और कैसे आएगा। इसलिए ये जो एनालाइज करने की आदतें हैं बंद कर दीजिए, पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, तो मुझे लगता है यूपीएससी निकालने में आपको ज्यादा सरलता होगी। तो याद रखिएगा, जैसे अब मैंने देखा कि कुछ लोग डिसलाइक भी कर देते हैं जब हम डांटते हैं उन्हें, तो वो डिसलाइक कर देते हैं, ये उनकी मानवीय प्रवृत्ति है, इन पर हमें कोई गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जहां गलती हो वहां मेरा अधिकार बनता है कि तुम लोगों को मैं डांटू और तुम्हें बताऊ कि तुम गलत रास्ते पर हो। तो ऐसा ना सोचा करिए कि गलत डांटने का मतलब मुझे कुछ खुशी मिली होगी, मुझे कुछ अंदर से मजा आया होगा, यह इसलिए क्योंकि आप लोग समझे कि हमें क्या करना है। देखो मैं अगर मुफ्त में भी पढ़ा रहा हूं, अगर लाइव क्लास मुफ्त में मिल रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि मेरे गुरु का हक तुमसे या मेरा जो हक है वो छीन लिया जाएगा, मेरा हक तब भी उतना ही बनेगा। इसलिए पूरी श्रद्धा और पूरी ताकत से मैं आपको तब भी डांटूंगा, इसलिए ये ऐसी हरकतें ना करा करिए कि डांट दिया फिर डिसलाइक कर दिया, अच्छा नहीं लगता है। पर कोशिश करिएगा कि चीजों को समझिएगा, जिस वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। आइए हम चर्चा कर रहे हैं, एक रिविजन हम आज कर लेते हैं, रिविजन को देख लेते हैं, रिविजन पर हम आ जाते हैं कि आज हमने क्या देखा और किस प्रकार की बातचीत थी। तो सबसे पहले हमने आज बादल देखे, तो बादल का मतलब होता है जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जलकण और हिमकणों के झुंड को बादल कहते हैं। फिर शीतलन, संघनन और बादल के निर्माण के बाद वर्षा होती है, पर सभी बादल वर्षा करे जरूरी नहीं होता। फिर शुष्क एडियाबेटिक तापमान परिवर्तन हमने बताया, शुष्क रुदोष्म तापमान परिवर्तन हमने बताया, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई शुष्क वायु जिसमें जलवाष्प नहीं होती है ऐसी वायु ऊपर उठती है तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसके तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो जाती है। वायु के अत्यधिक ठंडे होने के कारण उसका भार ज्यादा होता है और ये गिरकर वहां पर एक तरीके से स्थिरता लाती है।
फिर उसके बाद हमने कहा कि आद्र एडियाबेटिक तापमान परिवर्तन, आद्र रुदोष्म तापमान परिवर्तन, यदि किसी वायु में आद्रता बहुत ज्यादा है तो वो जैसे जैसे ऊपर उठेगी गुप्त ऊष्मा की मुक्ति के कारण तापमान में उतनी कमी नहीं हो पाती, जिसका इफेक्ट ये होता है कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम कह सकते हैं कि तापमान कम नहीं हो पाता है और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर केवल 6 डिग्री सेल्सियस से तापमान घटता है, जबकि सामान्य हाजदर 6.5 डिग्री सेल्सियस तक भी थी। इसलिए यह अपने पड़ोस की तुलना में अभी भी गर्म है, इसलिए और ऊपर उठेगी और बादलों का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार रहेगी, यह अस्थिरता लाएगी। फिर सिद्धांत था बर्जेलॉन फाइनसेन आइस क्रिस्टल तंत्र, उनका कहना यह है कि बादलों के निर्माण के लिए आद्रताग्राही केंद्र होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो बादल बन ही नहीं सकते हैं। 3 परतों में बादल बनते हैं, संवहनीय परत, मिक्सिंग वाली परत और हिमकण वाली परत, जहां बादल बन रहे हैं। फिर हमने संगठित संलयन सिद्धांत जो बोवेन साहब ने दिया था उनका निम्न ऊंचाई वाले बादलों में उपयोग किया कि कम ऊंचाई पर लवणता की अधिकता और आवेश के अधिक होने के कारण बादलों का निर्माण कम ऊंचाई पर ही हो सकता है, क्योंकि वहां आकर्षण के कारण वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और बड़े हिमकणों में बदल जाते हैं। फिर हमने ऊंचाई के आधार पर 4 प्रकार के बादल कहे, सबसे ऊंचे बादल, मध्यम ऊंचाई के बादल, निम्न ऊंचाई के बादल और ऊर्ध्वाधर बादल जो आखिरी में था। फिर हमने कहा कि ऊंचाई में सबसे ऊंचा बादल पक्षाभ मेघ होता है, इसे आपको याद रखना है। पक्षाभ स्तरी मेघ आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये प्रभामंडल के लिए जिम्मेदार होता है, तो प्रभामंडल के लिए जिम्मेदार होने के कारण इस बादल को भी ध्यान देना है। फिर पक्षाभ कपासी मेघ न भी याद रखे तो चलेगा, लेकिन ऊंचाई के बादल हैं। फिर हम कह सकते हैं मध्यम ऊंचाई में 2 से 6000 मीटर या 2 से 6 किलोमीटर अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड विस्तृत क्षेत्र में वर्षा करते हैं। फिर उच्च कपासी मेघ होते हैं जो पतले गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते, न भी याद रखे तो चलेगा। स्तरी मेघ हम कहेंगे कि इसे हमें याद रखना है क्योंकि एक कोहरे के समान बादल होता है और इस कारण से कोहरे का ही एक रूप माना जाता है। स्तरी कपासी न भी याद रखे तो चलेगा, कपासी मेघ भी नहीं, लेकिन वर्षा स्तरी बादल, काले रंग के बादल जो वर्षा के लिए जिम्मेदार है, इसे जरूर याद रखिएगा। और आखिरी कपासी वर्षी मेघ जो ऊर्ध्वाधर बादल होते हैं, यह ऊर्ध्वाधर निर्मित होने के कारण बहुत बड़े आकार के बादल हैं, इस कारण से इन्हें आपको याद रखना है, जो महासागरों में वर्षा के लिए अत्यधिक जिम्मेदार होते हैं, जो महासागरों में वर्षा के लिए बहुत अच्छी तरह से हम कह सकते हैं कि निर्भरता उनकी महासागरों की वर्षा की इन्हीं बादलों के कारण होती है। तो आइए पहले आज का सवाल देख लेते हैं कि आज का सवाल सब्जेक्टिव में क्या बनेंगे। तो पहला प्रश्न लिखना, रुदोष्म तापमान परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, रुदोष्म तापमान परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, रुदोष्म तापमान परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तथा यह सामान्य ह्रास दर से कैसे अलग है, तथा यह सामान्य ह्रास दर से कैसे अलग है, सामान्य ह्रास दर से कैसे अलग हैं। और दूसरा बादलों के निर्माण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, बादलों के निर्माण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तथा वर्षा के लिए जिम्मेदार निम्न स्तरीय बादलों का वर्णन कीजिए, वर्षा के लिए जिम्मेदार निम्न स्तरीय बादलों का वर्णन कीजिए। तो ये आज का जो विषय था ये ऑब्जेक्टिव में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये बात हमारी ध्यान देना कि ये जो आज का टॉपिक था इसके नोट्स जरूर बनाना, इसको पूरा फ्लो वाइज वैसे ही लिखना, उसी सीक्वेंस में लिखना जैसे कि हमने सीक्वेंस में लिखवाया है। इस कारण से चीजों पर एक सिंपल सी बात अगर हम कहें तो एक सीक्वेंस में नोट्स चलने देना। अब हम इसमें जो देखेंगे, अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्षा, कि वर्षा कितने प्रकार की होती है, चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, आद्र वातागृहीय वर्षा, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर दूसरा इसके बाद हम आएंगे वायु राशि पर, फिर वायु राशि के बाद हम आ जाएंगे वाताग्र पर, और फिर हम आएंगे चक्रवात पर। तो लगभग मुझे लगता है कि 4थी या 5वीं क्लास लग जाएगी, और फिर हम आएंगे जलवायुवीय वर्गीकरण पर, कोपेन का वर्गीकरण, त्रिवार्ता का वर्गीकरण, जो भी एनसीईआरटी में दिया गया होगा उस वर्गीकरण को मैं समझाने की कोशिश करूँगा।
तो ओवरऑल अगर हम सिंपल सी बात करें तो इसको पढ़ते चलिए, इसके नोट्स बनाते चलिएगा, इसे थोड़ा चलने दीजिए बिल्कुल, कि इस तरीके से ये डेली 8 से 9 में ज्योग्राफी का क्लास चलेगा। तो आपके ज्योग्राफी के जो डाउट हो आप उन्हें कमेंट्स के रूप में कर सकते हैं और अपने आंसरों को लिखने की हैबिट डालिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है यूपीएससी में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। तो अब हमारी मुलाकात मंडे होगी, मंडे हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत, मंडे हम देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। तो आप पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।